मजदूर आदमियों को चाय यहाँ भी पीट देते हैं। कई बार हमारे संग ऐसी घटना हो गई, कई रिपोर्टें लई, कई लई नहीं गई, अभी भी केस दर्ज हैं न्यायालय में, उधर थाने में। तो भी लोग हम लोगों को चाय पीट देते हैं, मार देते हैं, और जबरदस्ती हमारी जमीन छीन रहा है, और हम लोगों को मार पीट कर रहा है बच्चन की हमारी। बजन ने फोन लगाओ तो पुलिस की बजाय भी दबंग है जिन्हें कुल्हाड़ी और लाठी डंडन से इन्हें मारो, पुलिस नहीं पहुंची। का रोल है इसमें? को जी रोल है कि उसने लोहा से फर्जी तरीका से एसटी करवाई है, उन्हें जबरदस्ती अपने बिल दबंग पर जमीन ली है, जी भियाईपुरा का है, टीएमआर जिले का है, और हमारे गांव से 45 किलोमीटर दूर का है, और जी दबंग आदमी है जो कि आसपास के जो आतंकवादी आदमी हैं उनसे मिला भाव आदमी हैं, और जो हम लोगों ने मानने से बिल्कुल ख़त्म करने का तुम कहते हो, तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो, थानों भी हमारा कुछ नहीं कह सकता है, और न्यायालय भी को हमको टेंशन नहीं है, बोल मैं चैलेंज देता हूँ हर बात की। हाँ 15 गुंडा है, पुलिस नहीं आई। पुलिस तो जब आई जहाँ खेत से उन्हें सीधी पीट पाट के डाल दिया उसी ज़मीन पर, तो फिर पुलिस आई तो 100 नंबर आई तो उनने हमें गाड़ी में रखो उठा। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। पृथ्वी पर विधानसभा में अहरवार परिवार के संगे बर्बरता की एक और कहानी हम लोग लेके आए हैं। यह कहानी भी हैरान करने वाली है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपने पहले ही देख ला हुई है। अब इनकी कहानी पूरी का है, कछु लोग बता रहे जमीनी विवाद है, कछु लोग बता रहे कोर्ट में केस चल रहा, कछु लोगों को कहबो है कि जो और बंधु हैं जिन लोगों ने इनके संगे मार पिटाई करी, बर्बरता पूर्ण इन्हें मारो, इनकी पत्नी को, इनकी बिटिया को, इनकी माता जी को मारो, वे इनकी ज़मीन हड़प्पो चाह रहे हैं। सबकी अलग अलग थ्योरी है, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने सोची कि अलग अलग बातें को ना बता के हम सीधे उन्हीं से बात करवें जिनके संगे घटना भई, जो ई पूरी घटनाक्रम के पीड़ित हैं, इन लोगों से बात करें। हमारे संगे रवि अहरवार हैं, रवि अहरवार की पत्नी ऊषा, ऊषा हैं, इनकी बिटिया सपना, सपना हमारे संगे हैं, और इनकी माताजी की स्थिति बहुत गंभीर है, सो उनको इलाज चल रहा। हम लोग मेडिकल कॉलेज ही में हैं इस समय, और मेडिकल कॉलेज ही के परिसर में जितने हु हल्ला ना हो इस वजह से एकांत में बैठ के इन लोगों से बात करने को प्रयास कर रहे। जो हम लोगों को मोटी मोटी बातें इनने लिखवाई रवि में, उनमें बताई जा रही है कि घटना की वीडियो जो आप लोगों तक पहुँची है वह 26 तारीख की है, लेकिन जो घटना की शुरुआत है वह 25 तारीख से शुरू हुई है। 25 तारीख को जे रवि और बहुत सारे लोग इनके परिवार के पहुँचे थे, जिनमें दीपचंद्र भी हते, इनके भैया रवि खुद हते, इनकी पत्नी ऊषा, इनकी बिटिया बगल में बैठी सपना, बहू राम देवी यानी दीपचंद्र की पत्नी, और बच्चा राम मिलन। 25 तारीख को खेत पर पहुँचे थे, मूँगफली की फसल हती, खसरा नंबर हतो 474/2, जो वो खेत है जिते जे लोग थ्रेसर लेके पहुँचे थे, मूँगफली की फसल बही थी और वही की थ्रेसिंग होनी थी, लेकिन उतः इके पहले थ्रेसर चल तो इके पहले कछु लोग पहुँचे, जिमें हते नरेश यादव, अरविंद यादव, तिलक यादव, जितेंद्र लोहार और रविंद्र यादव, जे इतने लोग और कछु अन्य भी हो सकत, जे इतने लोग मौका पर पहुँचे, थ्रेसर जैसे ही पहुँचो इनके खेत पर, इन लोगों ने विरोध करो, इन्हें धमकाओ, थ्रेसर होते से भगा दो। जी के बाद इनने 100 नंबर डायल करी, मौका पे 100 नंबर पहुंची, 100 नंबर वालन ने कही कि आप पृथ्वी पर थाने आओ और थाने में आपकी सुनवाई हुई है। जी 25 ही तारीख को थाने पहुंचे, थाने की पुलिस ने इनसे आवेदन मांगो लेकिन कार्रवाई नहीं करी। थाने की पुलिस ने इन्हें आश्वासन दाओ कि आप जी पूरे मामला की जाँच करें, जाँच करवे खुद पुलिस पृथ्वीपुर की खेत पर पहुँचे, लेकिन पृथ्वीपुर की पुलिस जो है खेत पर नहीं पहुंची। 25 तारीख निकल गई, 26 तारीख को भी आधो दिन निकल गो जंदना जाए इनके संगे बर्बरता की घटना भई। 26 तारीख को जो है 1:30 बजे इनने पुलिस को फोन लगाओ, दरोगा जी को, एक दरोगा को फोन लगा, दरोगा को नाम है कछु का? हाँ राय साहब। कौन राय साहब? दरोगा जी हैं पृथ्वीपुर थाने में, उन्हें इनने फोन लगाओ, और फोन लगावे के बाद 1:30 बजे फोन लगाओ दरोगा को, और 2 बजे अब की बार कछु लोग ट्रैक्टर पर चढ़ के लाठी डंडा और कलरियाँ ले कर पुलिस को फोन लगाए कि आध घंटा बाद इनके खेत पर पहुँचे, वही खेत पर पहुँचे, वही खेत पर पहुँचे, और बिना कछु कहें जो खेत की तार फेंसिंग हती ऊखो ट्रैक्टर से तोड़त भाई अंदर घुसे खेत के, और फिर इनकी बर्बरतापूर्ण मार पिटाई शुरू कर दी, जो वीडियो वायरल हो रहा है आप लोग देख सकते हो।
जा पूरी अभी तक की कहानी हती जिसके बाद फिर एक बार 100 नंबर डायल करोगो। यही घटना के दौरान बिटिया सपना ने जब वीडियो बनावे को प्रयास करो तो जो पप्पू हैं, पप्पू ने मोबाइल छुड़ा के नरेश ने हाथ में कुलरिया लेते जो नरेश उनने फ़ोन काट दो कि वीडियो नहीं बन पाए, लेकिन वीडियो कौनो तरीका से दूसरे फ़ोन से बनी और जो अब वायरल हो रही है। जब कछु घटना भई थी जिन लोगों ने इन्हें मारो है कुलाड़ी लाठी डंडन से इन्हें इनकी माता जी को, पत्नी को और इनकी बिटिया को, उनमें बताई जा रही है कि करीब 15 लोग शामिल हते। कछु लोगन के नाम हैं बलबीर यादव और पप्पू, केहर यादव, खुन्ने लल्लू यादव, जितेंद्र लोहार, मातादीन लोहार, तिलक यादव, अरविंद यादव, रविंद यादव, राहुल, नरेश इत्यादि। जे लोग हते इन लोगों ने मारो है, इनको आरोप है और स्थिति गंभीर है। इतने अब जी मेडिकल में अपनो इलाज करा रहे इमरजेंसी विभाग में, लेकिन उते भी अभी भी तांडव जारी है, कई जारी है। चिकटा गुलेंदा जो पृथ्वीपुर विधानसभा को गांव है और चर्चा में बनो है, उतः तांडव अभी जारी है। इन लोगों के मुताबिक इन लोगों को कहबो है कि जब जी मेडिकल इतने आए तो उतः तांडव ऐसो भाव कि पहले दिन तो उनने मूँगफली की फसल भरी ट्रैक्टर में, दूसरी रात फसल में आग लगा दी। हालांकि इनकी पुष्टि अपन नहीं कर सकते, लेकिन जी लोग ऐसी कह रहे हैं वो पूरी फसल में आग लगा दी। जो ते सामान हतो, चूँकि घर मकान जो भी बनो हुए खेत पे उते को कछु सामान भी उठा ले गए, यानी तांडव जारी है। एक और अहरबार परिवार की हमने आपको पृथ्वीपुर से दशा बताई थी, जो दूसरा अहरबार परिवार है, एक अहरबार परिवार घोरारा में हतो और एक अहरबार परिवार जो चिकटा गुलेंदा को है, मौखिक तौर पर चिकटा गुलेंदा पंचायत में आत जो जे जगह बता रहे लगी बरिया को खिरकत गांव के आसपास की लोग और लिखा पड़ी में गैलवार भाटा का दुखों जो सरकारी कागजन में लिखा पड़ी में है। सो जो क्षेत्र के लोग सुन रहे उनके लाने लगी बरिया की खिरक की घटना है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुन रहे उनके लाने गैलवार भाटा है जो चिकटा गुलेंदा पंचायत में आत। इतने की जब पूरी घटना है, अब इके अलावा आप लोग सोचो कि महाराज जादव बताइए नहीं है कि विवाद पूरो का है। दरअसल विवाद जोन जमीन पर घटना भई वो जमीन को नहीं बताया जा रहा है, जो जमीन घटना भई वह 474/2 पे भई, लेकिन जो विवाद है वह दूसरे नंबर को विवाद है। चूँकि लघुभाव खेत है 240/1/2, 240/1/2 वालों जो हिस्सा है, इतने जब पूरी घटना भई है और जो पूरा मामला निवाड़ी न्यायालय में विचाराधीन है, वसीयत के बाद रजिस्ट्री के पूरे आरोप हैं, इनके दादा ने अपने नातियन के नाम वसीयत करी थी, रजिस्टर्ड वसीयत थी, लेकिन खुले लोहार ने रजिस्ट्री करा ली थी। उसी दिन रजिस्ट्री हुई जिस दिन वसीयत हुई, तो जे लोग उसे फर्जी मान रहे हैं। अब कही जा रही है कि न्यायालय में जब मामला उस जमीन को विचाराधीन है तो चर्चा जा है कि खुले अहरवार से के हार यादव ने जमीन ले ली, तब जमीन ले ली जब मामला कोर्ट में चल रहा हूँ, जमीन को विवाद पहले से चल रहा हो, बाबा विवाद जमीन खरीद ली के हर यादव ने। अब के हर यादव अपनी दबंगई के बल पे जब जमीन इनसे हड़प बोचा रहे, जे इनके आरोप हैं। अगर पुलिस उदना जांच करवे पहुँचती, थोड़ो लोगों को टाइट करती, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। दूसरी संदेह स्थिति पुलिस की ईसें हैं कि 1:30 बजे इनने पुलिस के दरोगा को फ़ोन लगा और 2 बजे फिर भी याद हमके ई को मतलब इनकी शिकायत कितूँ ना कितूँ लीक भई, और पुलिस को बड़ो खेल है। पुलिस पे आरोप तो पहले ही लग चुके पृथ्वीपुर पे कि पृथ्वीपुर पुलिस ने काकछु खेल करो है, जो सबको पतो है, सब जग जाहिर है। लेकिन अब जो उजागर भी होगा कि 1:30 बजे जो आदमी दरोगा से मदद मांग रहा हो, जाँच करवे काय नहीं गई 25 तारीख को पुलिस, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि जब 1:30 बजे इनने फोन लगाओ तो पुलिस की बजाय भी दबंग है जिन्हें कुल्हाड़ी और लाठी डंडन से इन्हें मारो, पुलिस नहीं पहुंची। 100 नंबर की तारीफ है कि 100 नंबर पहले 25 तारीख को भी पहुंची और 26 तारीख को भी पहुंची, लेकिन FIR दर्ज करवो 100 नंबर को काम नहीं है। मौके पर पहुँचवो 100 नंबर को काम है, 100 नंबर में ने अच्छो काम करो, मौका पर पहुँचे इन्हें सही सलाह दी कि थाने आके आप शिकायत लिखो, शिकायत बताओ अपनी जिस थाने पहुंची। लेकिन स्थानीय जो थाने की पुलिस है वह हमें लगत बहुत कलाकार है, वो उनकी भी जांच होनी चाहिए कि की सारे पे काय इतने दबाव में काम कर रहे, जांच कर भी काय नहीं पहुंची, और काय इतनी बड़ी घटना हो जान दे मैं कितूँ ना कितूँ। सबसे बड़ा कौन दोषी है तो वह पृथ्वीपुर पुलिस है कि आवेदन के बाद भी पुलिस ने संवेदनशील स्थिति को नहीं जाँचो, नहीं परखो, ना मौका पर जाँच के लाने पहुँची, और फिर दोबारा घटना भी
दरोगा की कॉल हिस्ट्री की जांच होनी चाहिए कि 1:30 बजे इनके फोन करवे के बाद उन्हें ऊ गांव में कीखों फोन करो, ई कॉल हिस्ट्री की दरोगा की जांच होनी चाहिए, जो राय दरोगा को जी नाम ले रहे हैं जो जरूर होनी चाहिए। जब पूरी घटना है, ई घटना में कछु हमने गलत बात बोल दी हो तो आप ही पे आपत्ति जता सकते हो, तो आपने लिखा ही हमें जो आपने बताई, कोई गलत नहीं है, आपकी सही बात है, बिल्कुल जो सत है, जो सत हाँ बिल्कुल सही है जो हमने बताई है कि हमारे संगे ये घटना है, ये समस्या है पूरी, और हमारे संगे ऐसे ये का विवाद चल रहा है, और जो हमारी जमीन, जो जमीन हमारी है ऊपर भी इनने हमारे संगे घटना पूरी कर रहा है, हमारी फसल जला दी गई, और जो जमीन पे विवाद था बगल से लगी हुई जमीन है उसका न्यायालय में केस चल रहा है, और हमारे पक्ष में न्यायालय भी है, उस न्यायालय को जानकारी भी है कि हाँ जी विवादित जमीन केहर सिंह यादव ने खरीदी है, और जो कि जबरदस्ती जी हमें मारपीट के हड़पना चाहते हैं जमीन को, और जो 10-15 लोग लुहाए थे बाकी यादव को हम चीनते नहीं हैं, जो इतना चीनते हैं। घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं? हम लोग घुरारा भी गए थे, आपने शायद देखी हुई सुनी हुई, कैसे आपके संगे भी वही दिन बा घटना भाई कि जी सब प्रशासन की तरफ से ढील है उनकी, और उन्हें अपने बलबूजा है अपने पे बरादरी पे, जी लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी को चाय यहाँ भी पीट देते हैं, कई बार हमारे संग ऐसी घटना हो गई, कई रिपोर्टें लई, कई लई नहीं गई, अभी भी केस दर्ज हैं न्यायालय में उधर थाने में, तो भी लोग हम लोग को चाय पीट देते हैं, मार देते हैं, और जबरदस्ती हमारी जमीन छीन रहा है, और हम लोग उनको मार पीट कर रहे हैं बच्चन की हमारी। आज ही हमने इतने कॉलेज में भी डले, आज ही जांच करवा ले मौका पे, हमारा कोई बच्चा छोटे बच्चा है केवल घर पे, बाकी घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है इनकी माएँ, वो जो कि कुगा पे हमारे ढोर बच्चे भी भूखन प्यास न मर रहा है, और कोई भी व्यक्ति नहीं है तो भी हमारे खेत पे हर तक मचो फर रहो कि फसल भी जला दई, फसल उठा भी लाओ सामान खेत से खरियान से, पाइप हंसती पाइप मोटर सोटर मैं खटिया से उठा ली, कटोरी भी डली तो वह भी उठा ली, हमारे कपड़ा भी उठा लिया वहाँ से, हमारा गल्लो भी रखो तो वो भी उठा लाओ, माने सब कुछ चीज उठा ली, और जो कि 25 तारीख 40 डिसमन जमीन है जिसको हड़प बेच आ रहा है जी लोग, केहर यादव को का रोल है इसमें? केहर यादव को जी रोल है कि उसने लोहा से फर्जी तरीका से रजिस्ट्री करवाई है, उन्हें जबरदस्ती अपने बिल दमंग पर जमीन ली है, जी भियाईपुरा का है, टीकमगढ़ जिले का है, और हमारे गाँव से 45 किलोमीटर दूर का है, और जो दमंग आदमी है जो कि आसपास के जो आतंकवादी आदमी हैं उनसे मिला भाव आदमी हैं, और जो हम लोग मानने से बिल्कुल ख़त्म करने का एकदम कहते हैं, बोले तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो, थानों भी हमारा कुछ नहीं कह सकता है, और न्यायालय भी को हमको टेंशन नहीं है, बोले मैं चैलेंज देता हूँ हर बात की। और आपको क्या लगत कि 1:30 बजे जब आपने पुलिस को फोन लगाओ तो पुलिस नहीं आई, 15 गुंडा आए? हाँ 15 गुंडा आए, पुलिस नहीं आई, पुलिस तो जब आई जब हमें खेत से उन्हें सीधी पीट पाट के डाल दिया उसी जमीन पे, तो फिर पुलिस आई तो 100 नंबर आई तो उनने हमें गाड़ी में रखो उठा के, और पुलिस वाले ने हमें तो फिर सीधा बात है कि हमको तो कोई दिखाई नहीं आता आँखन से कि किसी भी आदमी को कि कितना हम लोगों ने मारपीट कर दी, बेहोश थे हम लोग तो बिल्कुल टांग के, फिर हमारे भैया जी सब जने जुड़े, वो पुलिस आई, उनने वीडियो बना होते कि जी डले हैं खेत पे, और जी लेके और सीधे हमें अस्पताल में पटक दो, उतर दरोगा जी ने केवल हमारे तक बयान लाए कि आप रिपोर्ट डाल जाओ कच्ची, आपका बाद में मुकदमा होगा, आपकी जांच पड़ताल हो जाएगी, झांसी आप इलाज करवाओ पहले, तो हम इलाज खूँ आ गए, उसी दिन से यहाँ पर डले हैं, इलाज चल रहा हो हम लोगों का, और हमारी मम्मी की बिल्कुल गंभीर हालत है, वो बचने वाली संभावना नहीं है, मौत के घाट पर है 101%, आज ही आप जांच कह सकते हैं, वहाँ खेत पे जाकर के ही प्रशासन भी जांच कह सकता है कि ये जमीन में इरा फेरी है, और ये जमीन भाई तरीका की रजिस्ट्री है, और जो कोई जबरदस्ती हमारी जमीन छीन रहे हैं, और जो कि हमारी हमारे नाम पे भी वर्तमान में आज ही वर्तमान में जमीन है उस पे भी हमारी फसल जला दी गई है, हमारे सामान सत्ते सब कुछ उठा ली गई है उतर से, वो कोई भी हमारी रखवाली नहीं कर रहा है, ना कोई भी आ रहा है, थाने कचहरी में आवेदन ले लेते हैं केवल हमारी देख रेख नहीं कहते हैं कोई भी नहीं। मैं एक और चीज़ हम आपको जोड़ के बताएं, पटवारियों की कारस्तानी से भी नंबर के फेर बदल को भी मामला ही में जुड़ा भाव है, पटवारियों ने खेल करो, पुलिस ने ढील डाली, इसकी वजह से जब पूरी घटना भाई आज भी वर्तमान में हमारे कागज दिख रहे हैं, पट्टे जो है बब्बा के दादा के पट्टे हैं, जो पट्टे आज वर्तमान में रखे हैं, तो पट्टे कछु कह रहे हैं रजिस्ट्री कछु कह रही, फिर भी हमारी जमीन छीनी जा रही, उनका किसी भी प्रकार से हक ही नहीं बैठता है उस जमीन का, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी जमीन है कहते जो जमीन हमारे को हड़प रहे हैं, उन्हें ये सही तरीका से पता नहीं कि किसकी जमीन से लगी हुई है, कितने जमीन है, किस जमीन में मकान है, कि कुगा है, कि मगुआ के पेड़ खड़े है, कि का है, कुछ नहीं पता, ये उन्हें कोई पता नहीं है, फिर भी हमारी जमीन को हड़प रहे हैं वहीं पर, ये जमीन हमारी है।
आज ही उनकी रजिस्ट्री भी चेक कर लें, साइटें बगल की मुद्दाएँ देख लें कि कौन साइट किस, जो जमीन खाद खरीदता है तो वो नमूना भी देखता है कि नहीं देखता है कि किस से कहाँ पर ज़मीन लगी है। तो ये सारी चीज़ें पूरी फ्रॉड हैं उनकी, और फिर भी हमें का कोई मारपीट के जबरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आज भी हम मेडिकल कॉलेज में डले हैं, फिर भी हमारी ज़मीन पर तार फेंस गाड़ रहा है, खम्मा गाड़ रहा है, और हमारा सामान सट्टे सब उठा लिए हैं और हम लोगों को मारपीट कर दिए हैं। हमारे बच्चे भी घर से आज भी निकल नहीं पा रहे हैं, जो कि फसल हमारे 4 ट्रॉली 5 ट्रॉली मूंगफली निकलती थी, पूरी 4-5 एकड़ ज़मीन की पूरी फसल जला दी गई है, वहाँ राख रखी है। अभी जांच कर सकते हैं साहब, रात में आग लगा देते हैं ये लोग और सीधी जला दी है उन्होंने। ये तांडव है, ये अत्याचार है जो वहाँ चल रहा है, इसकी पूरी कहानी इनने बताई। हम लोग भी मेडिकल पहुँचे, जब जानकारी लगी कि ये लोग मेडिकल में हैं, तो यहाँ हम लोगों ने सोचा कि इनसे पूरी रिपोर्ट ली जाए, पूछा जाए कि क्या है। तो जो हम लोगों ने बताया, इनके द्वारा कहे गए आरोप के आधार पर बताया है, आगे देखना है क्या होता है, पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, और पुलिस के उच्चाधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, या फिर ऐसे ही ढील डालकर दबंगों के हौसले बुलंद कराए जाएंगे, फिर से कोई पीटा जाएगा, फिर से कोई परिवार इस बर्बरता की भेंट चढ़ेगा, क्या होने वाला है पृथ्वी पर विधानसभा में। क्योंकि आए दिन घटनाएं आ रही हैं, हर हफ्ते हर महीने कोई ऐसी घटना आती है जो कहीं ना कहीं दिल दहला जाती है। वीडियो सामने आई, हर जगह वायरल हुई, सोशल मीडिया पे सब लोगों ने देखा, लेकिन असली कहानी क्या थी ये हमने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।